चलिए दोस्तों, तो हम लोग आपको पता है कि बायोलॉजी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं और उनके आंसर। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे सभी परीक्षाओं के लिए, जिसमें बायोलॉजी का महत्व। आपको बता दें, पिछले पीछे हम लोग 1 से 50 तक देख चुके थे, अब यहाँ से हम लोग 51 से शुरू करते हैं। ठीक, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बता देना है, रक्त परिसंचरण। 1628 में विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। 52 क्वेश्चन है, एंटीजन है तो आपको बता देना है, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक। ठीक है, 53 क्वेश्चन, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो आपको बता देना है, यकृत। यकृत रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। लेवर, कफर सेल्स पाए जाते हैं, रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। शरीर में टॉन्सिल की लंबाई बढ़ जाने के कारण खांसी होती है। 54 क्वेश्चन नंबर, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है? तो आपको बताना है, 22+X। फीमेल में जायगोट युग्मनज का संगठन 2N होता है, अर्थात 44+XX। फीमेल में जायमेट में N होता है, 22+X। फिर 55, टर्नर सिंड्रोम्स होता है, तो आपको याद रखना है, OX। टर्नर सिंड्रोम क्रोमोजोम की संख्या 45, 44+XO या 44+X होने के कारण होता है। ठीक है, याद रखना है। इसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है इससे। इसमें स्तन ग्रंथि का अभाव होता है, इनकी आवाज मोटी होती है तथा जनन क्षमता नहीं होती। काइनटेल्टर एन सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोजोम की संख्या 47+ यानी कि 44+XXY होता है, यह मेल नर होता है। इसका कुछ लक्षण भी मेल से मिलते जुलते हैं। इसमें स्तन ग्रंथियों का विकास होता है, आवाज सुरीली होती है और जनन क्षमता का अभाव होता है। ठीक, फिर 56, हीमोफीलिया रोग होता है अनुवांशिकी तथा लिंग सहलग्न से। हीमोफीलिया रोग अनुवांशिकी तथा लिंग सहलग्न से, कैल्शियम की कमी से हड्डी एवं दांत कमजोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, पिता ए रुधिरवैव और माता बी रुधिरवैव की हो तो इनकी संतान में कौन सा रुधिरवैव संभव है? तो याद रखना, ए बी ओ ए बी, चारों। पिता ए ब्लड ग्रुप एवं माता बी ब्लड ग्रुप हो तो इनकी संतान में ए बी ओ ए बी, चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। 58 क्वेश्चन नंबर, सार्वत्रिक रुधिर दाता रक्त ग्रुप है तो आपको याद रखना है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन है? ओ। RH, 59 क्वेश्चन नंबर, RH कारक RH फैक्टर करता के खोज करता है तो लैंड स्टीनर और वीनर। ठीक, फिर 60 क्वेश्चन नंबर 60, सूत्री विभाजन के कारण किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? तो याद रखना है, एनाफेज। सूत्री विभाजन के गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर एनाफेज अवस्था में जाते हैं। प्रोफेज, कोशिका में विभाजन की शुरुआत इसी अवस्था में थी। क्रोमोटीन, जाल छोटे व मोटे होकर गुणसूत्र बनाता है। मेटाफेज, त्रोग धागे का निर्माण पूर्ण होता है, इस विभाजन में 2 से 10 मिनट लगता है। टेलोफेज या प्रोफेज का उल्टा है, केंद्रक एवं केंद्रिका स्पष्ट हो जाता है, क्रोमोजोम पतले हो जाते हैं। स्पेंडल फेवर फिब्र नष्ट हो जाते हैं, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। फिर बात करते हैं 61, वृद्धि वलय किसके किसकी क्रिया से होता है? तो याद रखना है, कैम्बियम। वृद्धि वलय कैम्बियम की क्रिया से होता है। जाइलम, ए जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण जाइलम द्वारा पौधे के अन्य भागों में पहुंचता है,
यह अप वाई डायरेक्शन में काम करता है। रेप फ्लोएम विकास संश्लेषण की क्रिया द्वारा बने कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट को पौधे अन्य भागों में पहुंचाता है। यह डाउन अवार्ड डायरेक्शन में काम करता है। 62 परागण का अर्थ होता है, तो याद रखना पराग धानी से पराग का वर्तिकाग पर जाना। जब पराग धानी से पराग वर्तिकाग पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। 63 क्वेश्चन नंबर, आर निषेक फल वह है जिसमें होते हैं, तो याद रखना बिना परागण और निषेचन के फल, जैसे केला और अंगूर। फिर 64 परागण क्या है, तो याद रखने नर युग्म कोद भेद। फिर 65 आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोष पर्याय पाया होता है। द्विगुणित आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोष 2N द्विगुणित होता है। भ्रूण कोष भ्रूण कप को पोषण प्रदान करता है और एम्ब्रो थ्राइप्लाइड त्रिगुणित होता है। फिर 66 बीज किस से बनता है, तो याद रखना है बीजांडर से। निषेचन के बाद ओवम ओवलम ओवल, बीजांडर से बीज, ओवरी अंडाशय से फल बनता है। 63 के बाद, 66 के बाद आता है 67। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प का वर्तिकांग पर जाना क्या कहलाते हैं, याद रखिए गीटोनोम गेमी। एक ही पादप से एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकांग पर जाना गोटोनोगेमी कहलाता है। 68 सुपारी खाने योग्य भाग है, याद रखिए बी भ्रूणपोष। 69 कौन सा फल नट है, तो याद रखना काजू। नारियल में खाने योग्य भाग है, 17वां क्वेश्चन, नारियल में खाने योग्य भाग है, तो आपको बता देना है भ्रूण पोष। 71 आवृत बीजी पौधे के बीच होता है, सुप्त एम्बियो। आवृत बीजी पौधों के बीच में सुप्त एम्बियो होता है। पिल म्यूल से तना का विकास होता है, रेडिकल से रॉट का विकास होता है। 72 मक्का का दाना है, तो आपको याद रखना है वास्तविक फल। मक्का वास्तविक फल होता है, जिस फल का विकास ओवरी से होता है सत्य फल या वास्तविक फल कहलाता है, जैसे आम जामुन केला। ठीक, आगे बात करते हैं। जिस फल का विकास ओवरी को छोड़कर फूल के अन्य भाग से होता है उसे अवास्तविक फल या असत्य फल कहते हैं, जैसे सेब नाशपाती का विकास। फिर 73 एक सच्चा फल होता है, तो याद रखिए निषेचित एवं विकसित अंडाशय से। सत्य फल का विकास निषेचित एवं विकसित अंडाशय से होता है। 74 कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है, तो याद रखना सहपत्र और परिदल पुंज। ठीक, सी ऑप्शन सही है। कटहल में खाने योग्य भाग सहपत्र एवं परिदल पुंज है। 75 अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है, तो याद रखना आरएनए। अधिकांश पादप वायरसों में जेनेटिक पदार्थ आरएनए के बने होते हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल बेस होते हैं। राइबोसोम पर पाए जाने वाले आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। डीएनए डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन तथा थाइमिन बेस पाए जाते हैं। 1953 में वाटसन एवं क्विक ने डीएनए में डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाना है, इसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, इसके एक छोटे से भाग को जीन कहते हैं। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट को लाने की खोज डॉक्टर लालजी सिंह को है जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट संस्था हैदराबाद चंडीगढ़ लखनऊ में है। प्रोटीन कार्बन
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासी फोर कर बीमारी होती है। मरेस्मस नामक बीमारी भी बच्चों में प्रोटीन की कमी से होती है। 76 क्वेश्चन नंबर, जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ अधिकांश होता है, तो याद रखना डीएनए। जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। 77 प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है, तो याद रखिए जीवाणु में। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर जीवाणु से मिलती है। लेमिनारिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। शैवाल के अध्ययन को फिकोलॉजी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नील हरित शैवाल यह धान के खेतों में पाया जाता है। कवक के अध्ययन को माइक्रोलॉजी कहते हैं। यह अपना भोजन नहीं बनाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। हेटरोटोप्स होता है। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा बनाई जाती है। 78 क्वेश्चन नंबर, वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने की, वायरस की खोज सर्वप्रथम 78वां क्वेश्चन सर्वप्रथम किसने की वायरस की, तो याद रखना डी ऑप्शन डी युवानोस्की। फिर 69 जीवाणुओं की खोज की थी, तो याद रखना ए वी ल्यूवेनहॉक ने जीवाणुओं की खोज ए वी ल्यूवेनहॉक ने की। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट हॉकर्स 1665 में कोशिका की खोज की थी इन्होंने। रॉबर्ट कोच ने हैजे का टीका टीवी की चिकित्सा का खोज किया। लोविस पस्टूल ने चिकित्सा की खोज की हाइड्रोफोबिया। लुइस पस्टूल ने जीवाणुओं को पादप मानते हैं क्योंकि इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। उपापचय दर सर्वाधिक होती है, तो याद रखिए उपापचय दर सर्वाधिक होती है किसमें, उपापचय दर सर्वाधिक होती है चूहों में। 82 एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है बी ऊर्जा। उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है, तो आपको याद रखना है बी एटीपी। उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में रखी जाती है। एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी कहते हैं। एटीपी से एक फॉस्फेट का अणु हटता है तब एडीपी एडेनोसाइन डीफॉस्फेट का निर्माण होता है। एडीपी से फॉस्फेट अणु मिलकर एटीपी का निर्माण होता है। जब श्वसन O2 की अनुपस्थिति में होता है तब ग्लूकोज एक अणु टूटकर फायरोविक एसिड में दो अणु का निर्माण करता है। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को ग्लाइकोसिस कहते हैं। ग्लाइकोसिस में 4 एटीपी का निर्माण होता है जिसमें 2 एटीपी खर्च हो जाता है तथा 2 एटीपी शेष रहता है। 84 शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि जैव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक के लिए। शरीर के लिए एंजाइम बहुत ही आवश्यकता है क्योंकि रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक का काम करता है। जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु करते हैं। 85 ग्लूकोज तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में ATP अणु उत्पन्न होते हैं, तो याद रखना 38 ATP ठीक डी ऑप्शन। 86 प्रोटीन की इकाई है, तो आपको याद रखना अमीनो एसिड। 87 ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है, तो याद रखना ग्लूकोज पाइरोविक अम्ल में। 88 कोशा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, तो याद रखें राइबोसोम। कोशा में सेल
में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में है। माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। इसमें कोशिकाएं श्वसन की क्रिया होती है। एटीपी को एडीपी में तथा एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में किया। इसे ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। यह कोशिका में होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। 89, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होती है? तो याद रखना है 40 डिग्री सेल्सियस। एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। 35 ± 5 यानी 33 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच एंजाइम सक्रिय होते हैं। 90वां, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो याद रखना है वसा, वसा के रूप में। शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा वसा में संचित होती है। 1 किलोग्राम वसा के टूटने पर 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है। 1 किलोग्राम प्रोटीन के टूटने पर 4.2 कैलोरी ऊर्जा। 91, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? तो याद रखना ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का उपयोग भूखा व्यक्ति सबसे पहले करता है। 92, जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है। तो याद रखना ऊष्मा के रूप में, जलीय अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। फिर 93, कार्बनिक यौगिक में विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो आपको याद रखना अपचय, अपचय के दौरान कार्बनिक यौगिक के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होता है। कैटाबोलिज्म के अंतर्गत पोषक तत्वों को विघटित कर सरल और विलेय पदार्थों के रूप में परिवर्तित करता है। यह डिस्ट्रक्टिव फेज होता है। उपापचय दो प्रकार का होता है, एक उपचय एक अपचय। उपचय पोषक तत्वों के स्वांगीकरण तथा और इससे ऊतकों के निर्माण की क्रिया को उपचय कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं 94वें क्वेश्चन, बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? तो याद रखना विटामिन डी। बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया रोग विटामिन डी की कमी से होता है। 95, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? तो याद रखना B12 में। कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B2 विटामिन B2 रिबोफ्लेविन कहते हैं। यह मांस, दूध, हरी सब्जी, सोयाबीन, अंडा में पाए जाते हैं। इसमें कभी से त्वचा का फटना, जीभ का कटना, बाल का झड़ना, मुंह में छाले पड़ते हैं। B6 का रासायनिक नाम थ्रेडोक्सिन है। यह यकृत, मांस, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से मस्तिष्क का ठीक से कार्य नहीं करता है, शरीर का भार कम होने लगता है। फिर 96वें क्वेश्चन में पित्त का निर्माण होता है, तो याद रखना है यकृत में। वाइल जूस का निर्माण यकृत में होता है, लीवर में। पित्त यकृत में निर्माण होता है, गॉल ब्लैडर में जमा होता है। ठीक, बात करते हैं 97वें क्वेश्चन में विटामिन सी है, तो याद रखना है स्कर्विक अम्ल विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। 98वां क्वेश्चन, तो याद रखना गाजर विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत गाजर है। शहद में फ्रुक्टोज पाया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा है। खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है। 99वां क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो याद रखना है एमाइलोपेक्टिन द्वारा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन यह अग्नाशय से स्रावित होता है, एरेक्सिन या छोटी आंत से स्रावित होता है। प्रोटीन को पेप्टोन्स में तथा पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। पेप्सिन आमाशय में स्रावित होकर प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। 100वां क्वेश्चन, खरगोश में दांत होते हैं, तो आपको बता देना है थीकोडोंट। खरगोश के दांत थीकोडोंट प्रकार के होते हैं। चलिए, तो इसमें हमने लोगों ने देखे 50, 51 से 100 तक क्वेश्चन। आगे देखेंगे हम लोग 100 से 150 तक।